हाय फ्रेंड, ये देखिए हमारे पास HR का रिसीवर रिपेयर होने आया है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि पावर सप्लाई नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं क्या फॉल्ट है। अब हम इसे खोलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अब हम इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल के देखते हैं क्या फॉल्ट आया है। खोलते हैं, बाहर निकालते हैं। अब हम इसकी AC सप्लाई चेक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। DC सप्लाई चेक करते हैं, 5 वोल्ट, ये परफेक्ट आ रहे हैं। अब हम इसके ड्राइव सोल्डर करेंगे। ट्यूनर लूज होने के कारण भी प्रॉब्लम आती है ये वाली। ये देखिए ड्राई सोल्डर कर रहे हैं हम। अधिकतर ये वाले रिसीवरों में ड्राई सोल्डर की प्रॉब्लम आती है, लूज होने के कारण बंद हो जाता है। फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे ऐसे नए नए फॉल्ट बताएंगे आपको। ये हमारा ड्राइव सोल्डर हो चुका है। ये देखिए हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। ये देखिए इसमें फॉल्ट ये था कि ट्यूनर लूज था। लूजिंग के कारण प्रॉब्लम आ जाती है, बंद हो जाता है रिसीवर। ये देखिए हमारा रिसीवर चालू हो चुका है। ये देखिए